नमस्कार दोस्तों। कछुआ और हंस। एक बार तालाब के पास दो हंस और एक कछुआ रहता था। कछुआ और हंस आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। उन तीनों को उस तालाब में पेट भरकर खाना भी मिल जाता था। तीनों मित्र बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे। गर्मी का मौसम आने पर जब तालाब सूख गया तो उन तीनों मित्रों को भोजन और पानी की कमी होने लगी। तभी दोनों हंसों ने कछुए से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? कछुआ यह जानता था कि दोनों हंस तो उड़कर कहीं भी जा सकते हैं, खाना पानी कहीं से भी ला सकते हैं, लेकिन वो उड़ नहीं सकता। उसे पता था उसकी चाल धीमी है, इसी कारण वह दुखी होकर अपने दोनों हंस मित्रों से कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ बहुत दूर तक कैसे चलूंगा, मैं उड़ भी नहीं सकता हूँ। तुम दोनों जब उड़कर चले जाओगे तो मुझे बहुत याद आया करोगे। कछुए की बात सुनकर दोनों हंस पेड़ की एक शाखा लाए और कछुए से कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों भी तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। उन्होंने एक छड़ी के बीच में कछुए को बैठा लिया और कछुए ने उस छड़ी को मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए को समझाया कि दोस्त बोलना कुछ नहीं, क्योंकि अगर तुम बोलने के लिए मुंह खोलोगे तो नीचे गिर पड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा मुंह खुलते ही तुमसे लकड़ी छुप जाएगी। दोनों हंस कछुए को लेकर आसमान में उड़ चले। दोनों हंस बड़ी ही सावधानी से अपनी अपनी चोंच से छड़ी के एक एक छोर को पकड़े हुए थे और बीच में कछुआ था। कुछ देर बाद कछुए के कानों में कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई, देखो देखो आकाश में दो हंस और एक कछुआ उड़ रहे हैं। कछुए ने सोचा, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे इन्हें सबक सिखाना होगा। जैसे ही यह शब्द कहने के लिए कछुए ने अपना मुंह खोला, कछुआ गिर पड़ा और मर गया। दोनों हंस मित्रों को अपने कछुए की गलती पर बहुत पछतावा हुआ। दोनों हंस कुछ कर भी नहीं सकते थे। अंत में दोनों हंस कहीं दूर जाकर तालाब में रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, चाहे कोई भी हमारा हंसी मजाक उड़ाए, हमसे मुकाबला करे, हमें अपनी समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें अपने समझ के सहारे केवल अपने भले चाहने वालों की बात सुननी चाहिए, इधर उधर के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।